कि आपके अंदर लड़की की आत्मा घुस जाती है। हाँ घुस जाती है। एक्चुअली क्या है कि लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो तुरंत हम जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा परेशान। बदतमीज हो क्या, तुमको तमीज नहीं है फ़ोन करने के लिए? हाँ नंबर नहीं देखते हो, तुरंत फ़ोन करने लगते हो? पहले नंबर तो चेक करो, कहाँ पे फ़ोन मिलाए हो, कहाँ पे नहीं मिलाए हो। जैसे फ़ोन मिलाओगे बोलोगे भैया हमसे बात करना है, हम पूछेंगे किससे बात करता है, बोलता है कि तुमसे बात करना है। अब उसका मम्मी जो है उसको ठंड लग रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, तो बेचारी पास में जाके हाँ हाँ तो के हम जाने थे कितना पानी में है, ठीक है हो कहा ना फलनवा रमेशवा जो रामचंद्रा रहा ओकरे साथे पकड़ाए रहे, हमरे साथे अगर तू नहीं हो तू ना, अगर हम बयान नहीं दे होती तो तू अंदर चला गए हो, तू बताओ तो बुझ रहे हमके जी सिखावा। हाँ नहीं तो ठीक है, और जौन जौन तू करे थू जौन हम का करे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानी से ज़्यादा हमें जिन बतावा करा, ठीक है। हाँ बोलिए प्रेम। अरे बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या ना कि जैसे घर पे रहते हैं तो भैया कभी भाभी सब लोग आगे पीछे रहते तो कैसे बात कर रहे हैं? जैसे करती वैसे बात करोगी? अरे भैया एक तो हम तो पहचान रहे और ऐसे बोल रहे हो, बताओ इस तरीके से डायरेक्ट आप बोल रहे हैं, हम तो पहचान भी नहीं रहे हैं आपको। अरे तुम्हें पहचान रहा हूँ ना। तो ऐसे कितनों को मसरूफ किया है आपने? अब ये जान लीजिए कि मसरूफ क्या, अब ये मोबाइल का जो खर्चा है कुछ इसी तरह से निकल रहा है मेरा। बेरोजगारी में काम ऐसे ही चल रहा है? बेरोजगारी में ऐसे ही चल रहा है, कभी किसी से रिचार्ज करवा लिया। तो ये अरुण कुमार सिंह लाला ये कैसा है गड़बड़ झाला? ये देखिए दिन भर में कम से कम 2-4, 10, 5, 20 ऐसे फोन आता आशिकों की लाइन लगी। हाँ ये देखिए नया नंबर है तो पक्का उसी तरह कोई होगा। उठाइए। हेलो। हाँ की प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम? हाँ हाँ बोलो। आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। इसके बाद कुमार सानू जी, तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ये राज दिल में। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले में है जहां पर मेरी मुलाकात एक युवा छात्र से हुई है, और मैं तब से ही बड़ा कंफ्यूज हूं कि भैया मेरी मुलाकात किससे हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जब मैं उस युवा की आवाज़ को सुनता हूं तो मुझे कभी उसमें लड़की की आवाज़ नज़र आती है, कभी लगता है कि इनके अंदर कोई लड़की घुस गई है, और कभी कभी जब सामान्य रूप से बोलते हैं तो लगता है कि चलो सब कुछ ठीक ठाक है। तो देर ना करते हुए इनसे मिलाते हैं और नाम पूछते हैं। पहले नाम आपका क्या है? नाम भैया मेरा अरुण है। अरुण? हाँ अरुण कुमार सिंह लाला मेरा नाम है। हाँ और तो ये अरुण कुमार सिंह लाला ये कैसा है गड़बड़ झाला? बस ये जान लीजिए कि अब थोड़ा बहुत लोगों के साथ रहते रहते और थोड़ा बचपन से ही हमारा शौक था मंच उंच करने का। अच्छा। स्टेज उस्टेज करने का, गाना गाने, तो थोड़ा बहुत गाना भी गाते हैं। अच्छा। गाना यानी जो लोग कहते हैं पूछने पे कि बचपन से हम ये करते हैं, वो वाली श्रेणी के कलाकार हैं? हाँ हम कलाकार थे, और मेरा जो है एजुकेशन भी अच्छा खासा रहा, मतलब बीएड मेरा हो गया है, लेकिन बस यही है कि सरकार का हालात आप देख ही रहे हैं, तो बस ऐसे कुछ करके थोड़ा सा। किसी ने गाया कि बीए करके बकरी चरावत है, तो आप बीएड करके दूसरा ही काम कर रहे हैं। बीएड करके हम थोड़ा सा, मेरे अंदर कला था तो मिमिक्री करने लगे और थोड़ा मंच उंच मिलने लगा, चार पैसा आने लगा। सुनते रह रहे कि आपके अंदर लड़की की आत्मा घुस जाती है? हाँ घुस जाती है। एक्चुअली क्या है कि लोग ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो तुरंत हम जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा परेशान। बदतमीज हो क्या, तुमको तमीज नहीं है फ़ोन करने के लिए? हाँ नंबर नहीं देखते हो, तुरंत फ़ोन करने लगते हो? पहले नंबर तो चेक करो, कहाँ पे फ़ोन मिलाए हो, कहाँ पे नहीं मिलाए हो। जैसे फ़ोन मिलाओगे बोलोगे भैया हमसे बात करना है, हम पूछेंगे किससे बात करता है, बोलता है कि तुमसे बात करना है। अरे अब इस तरीके से लोग हो गए हैं, अचानक नंबर ट्राई करते रहते हैं कि कोई बेकार नंबर बस गड़बड़ हो, लड़की के पास पहुँचे।
तो नया नंबर सही बात है। हाँ। ये सही बात है, अपने समय में हम लोग भी ऐसे ही करते थे। तो अभी किसी लड़की का नंबर लग जाता। हाँ, तो हाँ। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे कि ऐसे ट्राई करते हैं, हो सकता लड़की उठा ही ले। लेकिन मेरे अंदर क्या है कि जब कोई नया नंबर आता है तो मैं तुरंत जो है अपना YC चेंज करता हूँ। अगर कोई परिचित होगा तब तो अरुण भाई को जानता है, वो तो तुरंत पहचान जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो तो मसरूफ हो जाएगा बात करने के लिए। तो ऐसे तो कितनों को मसरूफ किया है आपने? अब ये जान लीजिए कि मसरूफ क्या, अब ये मोबाइल का जो खर्चा है कुछ इसी तरह से निकल रहा है मेरा। बेरोजगारी में काम ऐसे ही चल रहा। बेरोजगारी में ऐसे ही चल रहा, कभी किसी से रिचार्ज करवा लिया। एक गाने की लाइन थी, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों अपना वक्त बर्बाद करे, इस तरह की कुछ लाइने थी। और फोन आ गया क्या? ये देखिए, दिन भर में कम से कम 2-4, 10, 5, 20 ऐसे फोन आता है। आशिकों की लाइन लगी। हाँ, ये देखिए नया नंबर है तो पक्का उसी तरह कोई होगा। उठाइए। हेलो। हाँ के? प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम? हाँ बोला। हाँ किससे बात करना है आपको? हेलो, किससे बात करना है आपको? आपसे करना है, और किससे करूं? तो क्या बात करना है बताइए। जो बात करती वही बात करना है, और क्या बात करूंगा? देख रहे हैं इस तरीके से लोग, अब मैंने म्यूट कर दिया है, इस तरीके से कैसे लोग जैसे जबरदस्ती अब हेलो हेलो किए जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ बोलिए प्रेम। पा रही हो क्या? अरे बोल रहे हैं, एक्चुअली क्या ना कि जैसे घर पे रहते हैं तो भैया कभी भाभी सब लोग आगे पीछे रहते, तो कैसे बात कर रहे हैं? जैसे करती वैसे बात करोगी? अरे भैया एक तो हम तो पहचान रहे हो और ऐसे बोल रहे हो, बताओ इस तरीके से डायरेक्ट आप बोल रहे हो, हम तो पहचान भी नहीं रहे हैं आपको। अरे तुम्हें पहचान रहा हूँ ना। कहाँ पे मिले थे हम लोग? अरे उस दिन नहीं, शादी में आई। शादी में? अच्छा जयमाल पे क्या? हाँ जयमाल पर, जब तुमको नंबर दिया था जयमाल पर। हमको नंबर नहीं दिए थे, मेरी सहेली को दिए थे, हो सकता है मेरी सहेली तुम्हें नंबर दी हो। जो भी हो। अब देखिए इस तरीके से ऐसे तो पागल बना देंगे एकदम, ऐसे ही देख लीजिए, हमको बता भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, लेकिन तब भी ये कह रहे हैं नहीं जयमाल पे देखे थे, ऐसे देखे थे। तो इनका भाई सब बात करने का मन है, तो हम भी इनको थोड़ा सा इंटरटेन कर देते हैं। देखिए कट गया फोन। फोन कट गया। वैसे तो बहुत सारे फोन आते होंगे कि जी नहीं पाएंगे, मर नहीं पाएंगे। ऐसे हमको लगता है ज्यादातर मेरा ये 4-5 महीने से इस तरीके से ज्यादा मतलब हो रहा है। एक फिल्म आई थी वो पूजा लड़की, ड्रीम गर्ल, आयुष्मान खुराना जी, दिल की घंटी, टिंग टोंग, कैसे कैसे करके गाना, बड़ा बढ़िया है ना। तो आपने तो वही वाली फीलिंग जगा दी। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे मित्र कोई होता है जिसे बात करना होता है कि कई दिनों से बात नहीं किए यार, थोड़ा फोन मिलाओ, उसकी बहन जो है उठा ले रही है, उसका भाई उठा ले रहा है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है भाई लगाइए हम बात करते हैं। फोन आ गया। देखिए ऐसे ऐसे फोन आता रहता है, कभी कभी मैं परेशान हूँ तो ब्लॉक लिस्ट में भी नंबर डालना पड़ता है। उठाइए उठाइए उठाइए। हेलो। क्यों फोन कट रही हो बार-बार? अरे फोन काट नहीं रहे, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए कट गया। और कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं, तुम अपना बताओ। मिलने के लिए बोला था तो क्यों नहीं? अरे टाइम नहीं है, घर पे अकेले रहते तो कैसे आप? अरे करने के लिए बोलता हूँ तो नहीं करती हो। अच्छा बुलाता भी हूँ तो नहीं आती हो। अच्छा ठीक है, आज रात में कर लेना, ठीक है? आज रात में वीडियो कॉलिंग करूँ? हाँ मर जाऊँ तुम्हारे लिए? पागल हो तुम। अब देखिए ऐसे, अरे बाबरी तू मरने के लिए बोल रहा है, भैया जेल चले जाएंगे आप। अब देखिए ऐसे ऐसे लोग है, अब उसको रोकिए रोकिए। हेलो। हाँ बोलो। अरे ऐसा ना करो बाबू, मरने होने वाली बात ना करिए, ठीक है? आपके घर पे मम्मी पापा हैं, सब लोग हैं। नहीं आओगी, मिलने नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा, बोल रहा हूँ। नहीं मरो नहीं, ठीक है? मरो नहीं, हम आप वीडियो कॉलिंग आज करिएगा रात में, हम आपसे बात करते हैं, ठीक है? इतना 4-5 महीना से बताती हूँ, रोज कहती हूँ मिलूंगी, यहाँ करूंगी वीडियो कॉल, लेकिन कुछ नहीं करती। हाँ ठीक है, आज पक्का करूंगी, ठीक है? आज आप करिएगा, हम फोन करेंगे, नंबर हम आपका सेव कर ले रहे हैं, क्योंकि आप नया नया नंबर से हमेशा फ़ोन करते रहते हैं, कभी जियो से, कभी एयरटेल से,
ऐसे फोन करते रहते तो कैसे होगा? तो फोन उठा लिया करो जब भी करूँ तो। हाँ ठीक है उठा लेंगे। हाँ रात में कितनी बार कॉल किया हूँ? हाँ रात में कई नंबर से आया था, 3-4 बार आया था। रिचार्ज नहीं है क्या तुम्हारे फोन? हाँ इसीलिए तो फोन नहीं कर पाते हैं ना, रिचार्ज रहता है तुरंत रिटर्न कॉल करते हैं, अभी इस समय इनकमिंग खत्म हो गया है तो कर नहीं पा रहे हैं। अभी करवाया था जब तक खत्म हो गया। हाँ तो वो सिम हम भैया कुछ करके फेंक दिए ना, पता नहीं गुस्सा हो गए थे तो फेंक दिए। दूसरा ये दूसरा नंबर है। अरे तुम्हारे भाइयों को भी ना इसको करवा दीजिए, इस पे करवा देंगे तो हम बात रात में वीडियो कॉलिंग करेंगे। ठीक है ठीक है, मैं आज रिचार्ज करवा रहा हूँ, आज वीडियो कॉल करोगी तो करोगी। हाँ ठीक है। हे ईश्वर कहाँ है मुझे छोड़ के दुनिया को। क्या बात है यार, आपने तो एकदम वाकई पागल बना दिया। अच्छा ये बताइए, जब आपके अंदर इतनी अच्छी कला है लड़कियों की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो क्यों नहीं आप वही काम करते आयुष्मान खुराना ने जो किया था, कोई कॉल सेंटर पकड़ लेते? क्योंकि सरकारें तो नौकरी देने में सफल नहीं हो रही हैं। वो हमको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अच्छा। और वो अचानक से ऐसे होने लगा और मैं खुद नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये। अच्छा। और धीरे धीरे भाई लोग जुड़ते गए और काम होता गया। तो आपके इस काम से कहीं कहीं तो बवाल भी हो जाता है? बवाल भी हो जाता है कि मुझे लगता है कि कहीं ज्यादा ओवर हो रहा है, ज्यादा लड़का ज्यादा परेशान हो रहा है, मरने मारने की बात कर ही रहा था। तो मैं ज्यादातर जितना दिन हो सकता है मैं मतलब उसको मेंटेन करके लेके चलता हूँ। तो जितने लड़कों से बात होती है आपकी, सबको अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई है कि हम किसी लड़के से बात करते। और अगर जिसे होता है कि नहीं अब ज्यादा, अब हमें भी ये लगने लगता है कि नहीं ज्यादा हो रहा है, तो फिर वहीं से मैं कॉल डिस्कनेक्ट और नंबर ब्लैक लिस्ट, फिर मैं फोन ऑन नहीं करता। बवाल खत्म। अच्छा सुने हैं महिलाओं के जैसा झगड़ा वगड़ा भी खूब करती हैं आप? हाँ देखिए मेरे मुंह से निकल रहा करती हैं आप। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो कभी कभी बोलते बोलते बात करते करते ऐसा हो जाता है कि मुझे खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लड़कियों के लड़का एक्टिविटी भी वैसे आने लगता है। तो कभी कभी दोस्त मित्र भी जैसे जो साथ में रहते हैं वो कहते हैं अब यार भाई थोड़ा सा अब तो चेंज कर दे। तब एहसास होता है कि नहीं भाई मैं इस फील्ड में हूँ तो किसी के साथ में शादी भी आना करने वाले रोल में आना हो। जैसे झगड़ा करने वाले जैसे औरतें रहती हैं, झगड़ा करती हैं गांव में हैं, तो जैसे झगड़ा करिए कि हाँ हाँ तो के हम जाने थे कितना पानी में है। ठीक है हो कान फलनवा रमेशवा जो रामचंद्रा रहा ओकरे साथे पकड़ाए रहे, हमरे साथे अगर तू नहीं हो तू ना, अगर हम बयान नहीं दे होती तो तू अंदर चला गए होती, बतावत हो बुझ रहे हमके जिन सिखावा। हाँ नहीं तो ठीक है, और जौन जौन तू करे थू जौन हम का करे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानी से ज़्यादा हमें जिन बतावा करा। ठीक है जौन तू करे थू ना उस चीज़ का हम प्रिंसिपल रह चुका है, हमारा दिमाग जब खराब हो जाता है तो हमारे पे मैयो बाप के सुन इतना जान ला हट रहते हट कुत्ता नहीं तो क्या आवत है। तो इस तरीके से जो है कि भाई साहब मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना मुझे यकीन कर पाना मुश्किल, एक चुटकी काटने दीजिए। वाकई शानदार है। तो इस तरीके से कभी कभी होता है कि झगड़ा भी कर रही है काम भी कर रही है, गुस्से में और काम ज्यादा और होता है। काम ज्यादा हो रहा है, स्पीड से हो रहा है और चिड़चिड़ाहट के चिड़चिड़ाहट में वो काम जो है स्पीड से होता जा रहा है। कभी कभी तो मैं बने हुए कलाकार भी देख लेता हूँ जो बने हुए भिखारी होते हैं, तो वो गजब के देखते हैं कि जैसे ऐसे हाथ कर लिए ये मान लीजिए ऐसे हो गया देखिए मोड़ मार के हाँ ऐसे कर लेंगे वो पता नहीं चलेगा ऐसे करके देखिए बना रहे हैं। अब करते करते लोगों के बीच में आदत सी हो गई थी ऐसे कर लेंगे आइए। तो इस तरीके से जो है और मतलब अब आप सामने करते हैं तो जो अब बंदा नहीं जान रहा है वो तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रभावित होगा ही, भैया 4 पैसा दे दिया। तो ऐसे ऐसे कभी के देखते हैं कि ऐसे सामने से कर रहे हैं। जानवरों की भी आप आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं। हाँ जानवरों का जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुत्तों का जो बच्चा होता है जैसे इस तरीके से है छोटा बच्चा ऐसे अब उसका मम्मी जो है उसको ठंड लग रहा है कुछ कर नहीं पा रहे तो बेचारी पास में जाके तो इस तरीके से उन लोग को जो है अपना जाती है सहलाती है फुसलाती है अपना दूध दूध पिलाएगी। तो कभी कभी छोटे बच्चे जो है छोटे बच्चे ऐसे मार देंगे कुत्ते को ऐसे ऐसे मार दिए और बेचारा उसका बच्चा चिल्लाने लगा
अब वो बच्चे मार के भाग रहा है, उसको जो है उसकी मम्मी तुरंत इतना करने के बाद फिर बच्चा कहाँ रुकने वाला, वो तो डर के भाग ही जाएगा। तो इस तरीके से पीछे बच्चे भी जाते हैं। हाँ, माँ के पीछे बच्चे भी भागते रहते हैं। तो ऐसे कभी कभी स्कूल में अंताक्षरी होता था तो लोग गाने को लेकर के करते थे, लेकिन हम कोई लड़की की आवाज में गाना सुना दीजिए। लड़की की आवाज में जैसे कि आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। इसके बाद कुमार सानू जी, तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से, ये राज दिल में। तो इस तरीके यही बातें जब आप लड़की बनते हैं तो लोग आपसे कहते हैं राज की बात अभी प्रेम ने किया, वही बात है प्रेम ने प्रेम की बातें की। अच्छा, कुछ अभिनेता जो हैं हमारे हिंदी फिल्मों के या भोजपुरी के, उनकी भी आवाज निकाल लेते हैं कि नहीं? उनकी आवाज़ जैसे कि आप बहुत देखे होंगे तो थोड़ा बहुत आप उनका कह सकते हैं कि राजपाल यादव जो है उनका एक्टिंग उठा के पटंग देंगे, मेरे रंगीले रतन जिगर छल्ले, और तुमको बता देते हैं अगर मिल जाएगा तो सही उठा के पटक देंगे, पनिया में डाल देंगे कंडा हो जाएगा, पनिया में डाल देंगे ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से कभी कभी थोड़ा छोटा मोटा आ जाता है तो कर देते हैं।